तो सभी लोगों को नमस्कार दोस्तों। जो जिस जगह पर हम इस वक्त सफ़र कर रहे हैं वो उत्तराखंड का बहुत ही सुरम्य रुद्रप्रयाग ज़िले का चोपता इसे कहा जाता है। बहुत से लोग इसे उत्तराखंड का या भारत का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। हालांकि स्विट्जरलैंड और चोपता में बहुत ज़्यादा सुंदरता में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, बहुत अंतर नहीं है। सरकारों का अगर ध्यान इन जगहों पर जाए तो यहाँ भी स्विट्जरलैंड इजीली डेवलप हो सकता है, लेकिन इन कारणों से चोपता और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वो जाने जाते हैं। उनमें से बहुत से कारण हैं। एक तो इसे जो ग्रीष्मकाल है उसका हनीमून प्लेस भी माना जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप शादी और तभी हनीमून करें। जब भी आपका मन विचलित हो, जब भी मन आपका अवसाद में हो, तो हनीमून मनाने चोपता चले आएं। और दूसरी तरह से ये हमारी प्रकृति ने, नेचर ने जितना सब कुछ यहाँ दिया है उतना उत्तराखंड के दूसरे और क्षेत्रों के लिए नहीं दिया है, इसलिए भी चोपता आना लोग बार बार पसंद करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो साइंटिफिक स्टडी है, जो वैज्ञानिक कारण है वहाँ, वो ये है कि तमाम तरह की जो वेजिटेशंस हैं उनमें अलग अलग तरह की जो प्रजातियाँ हैं, जो स्पीसीज हैं, वो यहाँ पाई जाती हैं। साइंस की भाषा में जिसे हाई एल्टीट्यूड प्लेसेस कहते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो शहरों में या गर्म जगहों पर नहीं हो सकती हैं, वो हमारे इन सुरम में और ठंडी जगहों पर होती हैं। बेसिकली ये जो विजिट है, सीधे सीधे कहूँ कि साइंटिफिक एक विजिट है जिसके लिए हम आए हैं। मेरे साथ एक सीनियर स्कॉलर हैं, डोभाल साहब, प्रदीप डोभाल, तो वो पीछे बैठे हुए हैं, वो साइंटिफिक कुछ इश्यूज कहेंगे। बहरहाल मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जब जब भी मैं परेशान होता हूँ, विचलित होता हूँ, या जब मेरे पास कोई काम नहीं होता है, तो इन सड़कों पर आ जाता हूँ, इन जंगलों के बीच आ जाता हूँ, और ये अलग अलौकिक और विविध प्रकार की जगह लगती है जहाँ बार बार आने का मन करता है। और इस वीडियो के ज़रिए आप भी ये देख पा रहे होंगे कि कितनी सुरम्यता है, प्रकृति ने कितनी बड़ी नेमत यहाँ दी है। देखिए, देखो, मैं चाहूँगा कि कैमरा अगर इधर चले तो दिखेगा कि कितनी सुंदरता उत्तराखंड को ऊपर वाले ने दी है, और ख़ास तौर से उत्तराखंड के इस एरिया को, जिन जगहों पर हम हैं, यहाँ पर बांझ, बुरांस, आयार, और इन्हीं वनस्पतियों की बदौलत इस सुंदरता को हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। डोभाल साहब बताएंगे थोड़ा सा कि जो साइंटिफिक इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, उस पर थोड़ा सा बातचीत करेंगे हम। ये वेजिटेशंस बेसिकली हमारी किस यूटिलिटी के लिए हैं, किस तरह से इनको हम देख सकते हैं आपके साइंस के नज़रिए से, साइंस के चश्मे से, क्या बोलना चाहेंगे आप इन पे? एक तो सर यहाँ पे जो ये स्पीसीज होती हैं, मेनली जो ट्री स्पीसीज ही है यहाँ पे, बाकी ये जो ये एरिया जैसे जैसे बढ़ेगा, ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगी, तो ये पेड़ जो ट्री स्पीसीज होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। अच्छा, तो वहाँ से फिर उसको बोलते हैं हम लोकल लैंग्वेज बुग्याल, वहाँ से वो शुरू हो जाता है। ट्री लाइन एक लास्ट लिमिट होती है ट्री की, तो वहाँ तक लास्ट जो ट्री लाइन एक बेल्ट जैसी हो जाती है, तो वहाँ के बाद आपको कोई भी पेड़ या वो नहीं दिखेंगे। तो वहाँ पे जो बुग्याल बोलते हैं, वहाँ पे जो घास टाइप का रहता है पूरा ग्रीनी, तो वो सर यहाँ के जो लोकल लोग होते हैं, तो उनके जो ये जो पशुपालन करते हैं कुछ लोग, तो वो इस टाइम पे जब यहाँ पे हरी घास होती है बुग्यालों में, तो उस टाइम के लिए वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, तो अपने पशुओं को लेके वहाँ उनका जो चारा चूरा वहाँ पे उनका वो काम होता है। और सर यहाँ का जो दूध और ये जो होती हैं, तो जो प्रकृति जो नेचुरल जो चीज़ें खाएंगे सर, तो उसका फिर बहुत अच्छी उधर यहाँ पे ये भी हो जाता है। बाकी जो ये ट्री स्पीसीज है, तो सर इनका भी काफ़ी यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। तो बाकी जैसे एक डोभाल साहब ने एक चीज़ कही है, वह बुग्याल हमारे लोक बोलियों में बुग्याल एक बड़ा प्यारा शब्द है, बड़ा प्यारा एहसास है। बुग्याल का सीधा सीधा मतलब ये है कि घास के मखमली जंगल। अगर आप सामने कैमरा लगाएं
तो ये मखमली जंगल यहाँ से आप देख सकते हैं और ये बहुत किस्मत से उन क्षेत्रों को मिलते हैं जहाँ ये होते हैं। ये समझिए कि ये इस इलाके का सौभाग्य है, इस तरह के बुग्याल हम यहाँ देख पाते हैं। और इन्हीं बुग्यालों में एक अलग तरह का गुरुत्वाकर्षण होता है कहें, या एक अलग तरह का एक जादू होता है जो हमें बरबस यहाँ खींच लाता है। और पांच बुरांस के जंगलों के बीच अगर बुग्याल हो तो उस प्रकृति का एक अलग तरह का नज़ारा होता है, ये हम यहाँ दूर दूर तक देख पा रहे हैं। बस अपना इतना कहना होता है कि अगर हमारी सरकारें, हमारे नेता और हमारे नीति नियंता जो होते हैं, अगर इन क्षेत्रों पर अपना ध्यान करें, यहाँ पर विकास की बात करें, किस तरह से यूरोपियन तर्ज पर इन चीज़ों इन क्षेत्रों को हम बहुत सुरम्य बना सकते हैं, आकर्षक बना सकते हैं, तो मुझे लगता है कि दारू के ठेके खोलने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। हमें हमारा अच्छा खासा रेवेन्यू इन जगहों से अर्जित हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और बजाय लोगों को शराब के ठेकों के खुलवाने की तरफ छोड़ करके हम ऐसे केंद्रों को यहाँ विकसित करें जो यहाँ की प्रकृति का को भी हम दुनिया के आगे रख सकें, रोजगार परक भी वो यहाँ पर हों, यहाँ के युवा न्यूनतम स्तर पर यहाँ से पलायन कर सकें। इस तरह का अगर यहाँ एक अवधारणा विकसित हो तो मुझे लगता है तो हमारा उत्तराखंड समृद्ध हो सकता है। क्यों साहब, जोबाल साहब, ये देखिए एक बड़ी और बात है सर, जो यहाँ पे टूरिस्ट लोग आते हैं जी, तो सर इनको थोड़ा अवेयर होना चाहिए, यहाँ पे कुछ ऐसा रूल या रेगुलेशन वो कर लें कि जैसे कोई सामान सामान लेके आते हैं तो अपने कैरी बैग्स होते हैं प्लास्टिक के या कुछ भी सामान लेके आते हैं तो उनका एक बार यहाँ पे चेक होगी, वो ऊपर जाते समय और आते समय चेक हो सर। एक्चुअली क्या होता है, आप कभी भी यहाँ से जाओगे ऊपर तक तो आपको प्लास्टिक के बोटल्स जो भी वेस्ट है उनके डिस्पोजल, ये सर यहाँ ये पूरा ये खराब कर देता है पूरा ये स्टेशन को यहाँ की, और इसके साइड इफेक्ट भी सर बहुत। ये हमारा इंडियन कल्चर ही ऐसा हो गया है जिस पर हम बार बार कई बार बातचीत करते हैं, कई बार देखते हैं सोचते हैं, लेकिन रिजल्ट वही सतह पर आ जाता है। मतलब उस पर बहुत ज़्यादा उम्मीदें हमने अभी रखी नहीं। बहरहाल हमें ये उद्देश्य था कि यहाँ की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करके आप सब लोगों के आगे उसे रख सकें। हालांकि आपने कई बार कई तरह से इसे देखा होगा, लेकिन चूंकि एक ऐसी चीज़ है प्रकृति और वो भी यहाँ चुपता की, जिसे जितना देखें उतनी बार आपका मन नहीं भरेगा, तो हम अभी चुपता स्टेशन पर पहुँच रहे हैं और आगे का जो विवरण है वो कुछ देर बाद हम आपको पेश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।